बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग बहुत ही पॉपुलर डिश तैयार करेंगे, बटर चिकन, जिसमें मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है और लेग्स के ऊपर काट लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली कटी हुई, 4 टमाटर रफली कटे हुए हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लीमू का रस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून बुनकटा जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 चम्मच ऑयल, 1/2 टीस्पून चूड़ा वाटर, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच काजू में थोड़ा सा दूध मिक्स करके तो पेस्ट बना के रखा हुआ है, 4 चम्मच फ्रेश क्रीम है, 1/2 टीस्पून बुनकटा जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। लीमू का रस ऐड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो सिरका ले सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, भुनाकुटा जीरा, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ले लीजिएगा, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर लीजिएगा, उससे कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। ऑयल ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच, मिक्स कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मसाले लगा दिए हैं, तो इसे अब हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं दरमियानी आँच पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया और 4 चम्मच मक्खन लिया मैंने, ऑयल इसलिए डाला है कि मक्खन जले ना, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। तो ये देखिए मक्खन हमारा गर्म हो गया माशाल्लाह, अब प्याज ऐड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने बस नरम करना है, ब्राउन नहीं करना, हम टमाटर ऐड करते हैं। प्याज हमारा नरम हो गया, अब हम टमाटर ऐड कर लेते हैं, साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं, हल्का सा हम इन्हें भूनते हैं। मसाले ऐड कर लेते हैं, पानी ऐड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को हमने थोड़ी देर भून लिया था, 1.5 ग्लास पानी हमने ऐड किया है। टमाटर प्याज गलने का वेट करते हैं। तो ये देखिए टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए, चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। इसे हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में ऐड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमने पेस्ट निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे को ऑन कर लेते हैं, मीडियम आंच रखिएगा। चिकन को ऐड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो थोड़ा मसाला लगा हुआ था पानी ऐड करके तो मैंने हला के वो भी ऐड कर लिए। मक्खन ऐड कर लेते हैं, 2 चम्मच हमने मक्खन ऐड कर लिए। 5 मिनट मैं इसकी बनाई करती हूँ। चिकन को हमने 5 मिनट फ्राई कर लिए, तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। पानी हम ऐड नहीं करेंगे, ये इसी पानी में इंशाल्लाह पकेगी 8-10 मिनट के लिए। चिकन हमारी तैयार हो रही है, तो उसके तैयार होने तक हम जो टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट हमारा ठंडा हो गया हुआ था तो हमने इसे ऐड कर लिए, ग्राइंड कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्मूद हुआ है पेस्ट। निकाल लेते हैं इसे हम, आप चाहें तो जब हमने मक्खन को गर्म किया है तो उसके अंदर हमने टमाटर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ना, तो उस वक्त भी आप ना ये काजू डाल के तो फ्राई कर सकते हैं, तो फिर इस वक्त आप साथ ही ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, फिर चोपड़ में सारा पेस्ट लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी ऐड करके तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसे।
तो ये देखें चिकन माशाल्लाह गल गई है बहुत अच्छे से, हमने पानी ऐड नहीं किया था, ये चिकन का अपने पानी है। तो अब हम इसे खुशक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखें पानी खुशक हो गया है माशाल्लाह चिकन का। तो मैंने इसकी 8-10 मिनट बनाई की है, तो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बुना गया गोश्त। तो अब हम इसमें ये जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है प्याज और टमाटर का पेस्ट, ये ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। साथ ही हम ये काजू ऐड कर लेते हैं। 5 मिनट हम इसे पकाते हैं। 5 मिनट हो गया मुझे पकाते हुए। चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी इसलिए डाली है कि ये टमाटर की खटास को बैलेंस करेगी। क्यूड़ा बैटर ऐड कर लेते हैं, इससे माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आती है। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, तो ये ऐड कर लेते हैं। फ्रेश क्रीम ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मिक्स कर लेते हैं। डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह तबारक अल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हमारा बटर चिकन, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा बना है। फ्रेश क्रीम ऊपर ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मक्खन को मैंने पिघला लिया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बटर चिकन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हुआ है। तो आप ये ट्राई कीजिए एक दफ़ा, सब घर वालों को बना के दें, बहुत खुश होंगे वो आपसे। तो इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करूँगी आपके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में शामिल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।